हे hey एवरीवन आज हम बनाएंगे वेज मोमोज़ तो इसका आटा बनाने के लिए आप मैदे में थोड़ा सा तेल नमक और पानी डाल के उसका एक सॉफ्ट डो बना लीजिए और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिए नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे मोमोज़ की फिलिंग तो इसके लिए आप एक पैन में ऑयल गरम कीजिए उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालिए बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करिए और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डाल के इसे तीन चार मिनट के लिए आप पका लीजिए अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट ही गाजर पत्ता गोभी फूल गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्च सबको अच्छे से पाँच सात मिनट के लिए पकाएंगे जिससे इसकी रॉनेस ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे अब ये पक जाएगा तो इसमें ऐड करिए काली मिर्च और नमक उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस रेड चिली सॉस और विनेगर और इसे फिर से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे अब फिलिंग को पूरी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए नेक्स्ट स्टेप में हम तैयार आटे की छोटी छोटी पूरी बनाएंगे उसमें इसे फिल करके मोदक का शेप देते हुए सील कर लेंगे कुछ इस तरह से आप सारी फ़िलिंग का यूज़ करके अपने मोमोज बना लीजिए और फिर उसे आप स्टीम करिए कुछ फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स के लिए बीस मिनट बाद आप चेक करेंगे कि मोमोज बन के तैयार हो गए हैं उसके बाद आप इसे रेड गार्लिक चटनी के साथ सर्व कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टू गेट बेस्ट होम रेमेडीज एंड फूड रेसिपीज नेक्स्ट एक्सपीरियंस